प्रणाम नमस्ते। आज मैं एक पर्व फेस्टिवल त्यौहार के बारे में जानना चाहूँगा। ये पर्व जीवतिया है शायद। ये पर्व हमें आज तक ले समझ में नहीं आया कि क्यों मनाते हैं। इस पर्व में फूड भोजन का बहुत ही बड़ी मतलब प्रोटीनियस चीज़ों का बर्बादी होता है, फूड आइटम का। आप ये देख सकते हैं, ये पर्व हमारी माता और हमारी दादी माँ लोग मनाती है स्पेशली। और इसमें वो लोग बताती है कि सुबह हमें सरगही खाते हैं। मैं तो उस टाइम सोया था, सरगही खाते। सरगही में क्या रहता है, दही चूड़ा रहता है, केला रहता है, सेब रहता है और खीरा रहता है, और भी कोई और दाल चावल भी रहता है शायद। तो ये क्या करते हैं हमारी माता और हमारे दादी माँ, थोड़ा थोड़ा खाते हैं लोग। और ये लोग रोटी बनाते हैं, रोटी बना के उसमें क्या करते हैं, दो चार रोटी में रख रख के सेब केला मतलब जो फल है, खीरा है, सब्जी है, क्या करते हैं वो लोग छान पे रख देते हैं। छान में समझ रहा, मड़ई के घर पे रख देते हैं। और इसमें काफ़ी मतलब ये भोजन जो है समझ रहे ना, काफ़ी मतलब हेल्दी भोजन होता है। और जिसको हम लोग छान पे वो लोग रखते हैं, इसमें भोजन की बहुत ही बर्बादी होती है। तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जानना चाहूँगा कि ये पर्व क्यों मनाते हैं आखिर, इसमें भोजन की बहुत ही बड़ी बर्बादी हो रही है। कम हर एक घर में दो चार रोटी पर रख रख के ऐसा ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे छानी पे करकट पे कहीं ना कहीं रखा गया है। इसमें भोजन की बर्बादी हो रही है ना। हम गाय को खिलाते हैं ना किसी जानवर को खिलाते हैं, ऐसे ही धूप में या कहीं रख देते हैं, किसके लिए पता नहीं, किसके लिए रखते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस पर्व को बंद कर देना चाहिए या थोड़ा कम कर देना चाहिए, थोड़ा मात्रा में चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जिस त्यौहार को, जिस पर्व को इंसानों ने शुरू किया है, या कोई भी चीज़ हो जो इंसानों ने शुरू किया है, उसको बंद किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है, या उसको कम किया जा सकता है, किया जा सकता है कि नहीं। तो ये आपने देखा कि भोजन की इसमें बर्बादी कितनी हो रही है। और ये एक बात स्पेशल है, इसमें किसी खास समुदाय के लोगों का ही फायदा होता है। जैसे मैं एक समुदाय का नाम ले रहा हूँ, एक कम्युनिटी का, शायद कम्युनिटी ना बोल के मैं एक व्यक्ति का जो पेशेवर है उनका मैं बिजनेसमैन का नाम ले, जिसमें सोनार लोग आते हैं, गोल्ड स्मिथ, उन लोगों का काफ़ी हजारों और लाखों में फायदा होता है। वो लोग क्या करते हैं, जीवतिया पर्व जो होता है, जीवतिया का एक माला होता है, वो लोग गूंथते हैं और बेचते हैं 250-300। इसमें सोना का भी काफ़ी बिक्री अच्छी कमा लेते हैं वो लोग बेच कर। और ख़ासकर गोपालगंज जिला में नकली सोना इतना मतलब चल रहा है मार्केट में, कहिए मत, तीन चार ही दुकान है जो हॉलमार्क बिक्रेता है, बाकी सब नकली मतलब थर्ड ग्रेड का सोना बेच रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों से कि इस पर चर्चा किया जाए, और किस लिए ये पर्व मनाते हैं थोड़ा आप लोग हमें बता दीजिए। ये पर्व मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने सुबह उठ के देखा, अपने पड़ोस में जांच किया, पता किया, तो देखा कि काफ़ी मात्रा में इसमें भोजन की बर्बादी हो रही है। और वो भी भोजन में सेव, अनार के